जो मांगना है मांग लो, ठीक है। कहा तो ऐसे है कि अपन फरमाइश करेंगे और वो अपनी झोली में ला के डाल देंगे। तो मैं बात कर रहा हूँ अपने राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री गहलोत चाचा के बारे में। भैया कुछ दिन पहले ही कहा है कि जो मांगना है मांग लो, और तो मेरी सभी अपने बेरोजगार साथी है, नर्सिंग साथी है, CHA है और भी सभी साथी है, उनसे रिक्वेस्ट है कि आप गहलोत जी से उनसे उनकी कुर्सी मांग लीजिए, क्योंकि मांग तो पूरी कर नहीं रहे और कह रहा है कि जो मांगना है मांग लो। खैर इसको छोड़िए, आज बात करेंगे स्टूडियो में हम चार पाँच टॉपिक मुख्य मुख्य उनके बारे में, और काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको इससे मिलने वाली है, काफ़ी नॉलेज आपको इससे मिलने वाली है। पूरा एनालिसिस किया है हमने, देखिए चार पाँच मुख्य मुख्य टॉपिक है। आशा सहयोगिनी को अब चिकित्सा विभाग में शामिल कर लिया गया है, और आशा के पीछे सहयोगिनी लगा हुआ है, तो क्या CHA कोविड स्वास्थ्य सहायक जिसके पीछे सहायक लगा हुआ है उनको भी चिकित्सा विभाग में शामिल करेंगे? ये तो पूरा विस्तार से समझाऊंगा, बहुत सारे नोटिफिकेशन आपको जानकारी बताऊंगा। एक फेक लेटर जारी हुआ था CHA का, 17 तारीख को धरना चल रहा था जयपुर में कशिश कच्छा जी के नेतृत्व में, तो क्या वो किस आधार पर गिरफ्तार हुआ या नहीं हुआ, और क्या ऐसी चीज़ें सोर्स कोड जैसे कहते हैं जो ये फेक लेटर बनते हैं हम उनका पता लगा सकते हैं भाई कौन से मोबाइल में बनाया, पूरी इसके बारे में आपको जानकारी मिलने वाली है। इसके अलावा हाई कोर्ट के पास एक क्या ऐसा नियम है कि वो डायरेक्ट आप सभी को परमानेंट कर दे, या किस आधार पर वो परमानेंट करेगा, या आप CHO किस आधार पर आप आगे भविष्य में परमानेंट हो सकते हो, उसके बारे में पूरा एनालिसिस हम एक्सप्लोर इस वीडियो में करने वाले हैं। यदि वीडियो को पूरा देखोगे तो नर्सिंग स्टूडेंट हो तो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव ये वीडियो होने वाली है। 23 फरवरी को विधानसभा बजट जारी होगा, और 14 और 17 तारीख को जो धरने हुए हैं नर्सेज के और CHA के, उन सभी को यही कहा गया है कि आप 3 से 4 दिन का वेट कीजिए, और 17 तारीख को वो देख लेंगे वेट करने का। और क्या CHA का प्रश्न उठा विधानसभा में? जी हाँ जरूर उठा। किस किस ने उठाया पूरा एनालिसिस वीडियो में हम करने वाले हैं। दूसरे राज्य के कर्मचारियों को राशन में बोनस नहीं मिलेगा, काफ़ी बड़ी न्यूज़ है ये, और ये किस आधार पर क्या क्या इसमें एक्सप्लेनेशन रहने वाला है इसके बारे में हम पूरी वीडियो में जानकारी में बात करेंगे। चलते हैं, सबसे पहले आपको क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना है हमारे इस चैनल को, क्योंकि और इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम लाने वाले हैं लगातार इस चैनल पे, एनालिसिस वाली वीडियो हम लाने वाले हैं, और साथ में ऑल के निशान पे आपको जरूर प्रेस करना है, तभी आपको सबसे पहले जानकारी मिलेगी, मैं फिर बता देता हूँ। और साथ में आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करना, दोनों की लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। देख सकते हो आप सलीश नर्सिंग एकेडमी, आप सर्च कर लेना टेलीग्राम पर, आपको मिल जाएंगे। काफ़ी यहाँ पर हम नॉलेजेबल वीडियो, नोटिफिकेशन, न्यूज़ सुविधा की सभी जानकारी देते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं फर्स्ट न्यूज़ की तरफ, CHA 14-17 तारीख को क्या निष्कर्ष निकला, इस लेटर का क्या मतलब है, किसने बनाया है, सभी कुछ इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो भैया लेटर फेक है, 2020 यहां पे साफ साफ आपको दिया गया है जो कि एकदम गलत है, 2022 देता बंदा भैया जिसने बनाया उसे बोल रहा हूं तो सही रहता। डिस्पेज नंबर भी आप डाल देते हैं फेक, 483 585 जो भी डालना हो आपको, तो ये लेटर रियल हो सकता था, लेकिन एक और गलती इसमें कर दी है उसने, सिद्धार्थ महाजन शासन सचिव और संजय कुमार उप शासन सचिव, कभी भी एक लेटर पर दो के साइन नहीं होते हैं, है ना, एक ही प्रमुख शासन सचिव को साइन होते हैं। और एक और चीज़ बता दूँ, जो ये सिद्धार्थ महाजन जी है वो सेंटर में चले गए हैं, ट्रांसफ़र हो गया है राजस्थान से, संजय कुमार जी का भी ट्रांसफ़र हो गया है, अभी जो वर्तमान में अपने प्रमुख शासन सचिव है वो वैभव गालरिया है, और दूसरे जो DOP कार्मिक विभाग के प्रमुख शासन सचिव है वो है अपने हेमंत कुमार गेरा जी। तो ये बात ध्यान रख लीजिए, लेटर फेक है। बाकी CHA के बारे में आपको बताऊँ मैं जानकारी, तो 14 तारीख को संदीप शर्मा जी के नेतृत्व में और 17 तारीख को कशिश कच्छा जी के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन किया गया, काफ़ी अच्छा धरना प्रदर्शन रहा नर्सेस का, CHA का, हाँ एक संयुक्त रूप से। और सचिव आरती डोगरा जी जो IAS है, सेकंड CM उसे कहा जाता है अपने राजस्थान का, ओके मुख्यमंत्री के बाद उनका ही नंबर आता है, तो सचिव आरती डोगरा जी IAS ने कहा है कि भैया 3 से 4 दिन आप वेट कीजिए, ये पहली बार हमारे पास मुद्दा आया है, हमें पता भी नहीं था इस पोस्ट के बारे में, और कुछ ना कुछ सोल्यूशन आपके लिए निकाला जाएगा, 3 से 4 दिन आप वेट कीजिए। शायद 23 तारीख को जो बजट पास हो रहा है उसमें कुछ थोड़ी बहुत संभावना है कि कर दे आपके लिए, नर्सेज के लिए, CHA के लिए, तो उसका वेट करना है हमें, बाकी तो आपको हटाने वाला कोई नहीं है भैया। मैं फिर बता देता हूँ, चाहे कोरोना ख़त्म हो गया है लेकिन CHA के लिए आगामी जो कार्य हैं सघन मिशन इंद्रधनुष के तहत आपको काम करना है, डेंगू मलेरिया टाइफाइड मौसमी बीमारी आने वाली है उनके लिए आपको काम करना है, फील्ड में काम करना है, और जो जो पर्टिकुलर कोई संस्थानों में लगे हो गवर्नमेंट में उसमें आपको काम करना है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बच्चों के वैक्सीन लगानी है, तो अभी आपको हटाने वाला कोई नहीं है, न्यू नहीं कोविड ख़त्म हो गया तो कोई हटा देगा आपको, ठीक है। तो पहली तो ये हो गई, चलिए दूसरी तरफ, ओके दूसरी आशा सहयोगिनी की तरफ चलने से पहले मैं बता दूं, CHA का मुद्दा विधानसभा में उठ गया है, और काफ़ी भी विधायक है उन्होंने वो मुद्दा उठाया है, प्रश्न पूछा है सरकार से कोविड स्वास्थ्य सहायकों को नियमित करने या वेतन वृद्धि के संबंध में, और आप सभी ने आई थिंक वीडियो देख ली होगी, ये देखिए आप सामने देख सकते हो, इन सभी को हमने क्या किया है, मैं टेलीग्राम पर सेंड कर दिया, ये देखिए पर्टिकुलर लेटर इन्होंने बनाया है, और इन्होंने प्रश्न किए हैं क्या सरकार कोविड स्वास्थ्य सहायकों को नियमित सुविधा पर रखने पर विचार रखती है, यदि हाँ तो क्या कैडर बनाकर उनका वेतन 7,926,500 विचार रखती है, क्या इनका नाम परिवर्तन करके स्टाफ नर्स करने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, क्यों,
ये सभी विवरण सदन की मेज पर रखे। तो भैया ये तो हो गई सीएच के बारे में पूरी जानकारी बात। और एक और चीज़ मैं बता दूँ, आई थिंक मेरे हिसाब से तो लग रहा है कि शायद सीएच का मानदेय भुगतान है, सैलरी है, उसको चिकित्सा विभाग से कर देंगे ये आशा सेवनी की तरह। क्यों? क्योंकि सभी सरपंच है वो अभी विरोध में उतरा है, आप देख सकते हो आपके सामने न्यूज़ पूरी मैं लेके आया हूँ। तो ये सभी आप पढ़ लेना टेलीग्राम पर व्हाट्सएप पर, हालांकि वीडियो लंबी हो जाएगी। तो चलते हैं दूसरी वीडियो की दूसरी न्यूज़ की तरफ, आशा सेवनी की तरफ चले। तो दूसरी न्यूज़ आपके सामने हाजिर है, आशा सेवगुनी अब चिकित्सा विभाग के अधीन आएगी। और मैं बता दूं पहले किसके अधीन थी, ये ICDS डिपार्टमेंट एक होता है उसके अधीन ये काम कर रही थी, उसके अधीन आशा सेवगुनी आती थी। हालांकि चिकित्सा विभाग से उनको इंसेंटिव अलग मिलता था थोड़ा बहुत। ICDS डिपार्टमेंट क्या है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, जो बच्चों के विकास के लिए है ना, उनकी लार्जेस्ट मोस्ट यूनिक आउटरीच प्रोग्राम जो होता है ये पूरे इंडिया में। ये क्या हुआ था, 1975 में इस ICDS डिपार्टमेंट को लॉन्च किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य था बच्चों को वैक्सीन लगाना, छोटी छोटी जो वैक्सीन होती है उनको फूड प्रोवाइड करना, फिर स्कूल एजुकेशन, प्राइमरी हेल्थ केयर, इम्यूनाइजेशन, हेल्थ चेकअप, जो भी चीज़ें थी। ओके, तो अब क्या हुआ, इन्होंने चिकित्सा विभाग में इन्होंने शामिल कर लिया है। देखिए वीडियो का पूरी एनालिसिस किया है मैंने, 52,000 से अधिक आशा सेवगुनी थी उनको चिकित्सा विभाग में शामिल कर लिया है। और अपनी जो सचिवालय में महिला एवं बाल विकास मंत्री ममता भूपेश के साथ इन्होंने प्रसाद लाल जी ने बैठक ली और इसी के तहत परिणाम निकला कि इनको अब चिकित्सा में जो है शामिल कर लिया जाए, क्योंकि दोनों का वर्क एक जैसा होता है, दोनों का समन्वय पूरा सहयोग एक जैसा होता है। तो ये थी, आप न्यूज़ पढ़ लेना, आपके सामने पूरी न्यूज़ है। मैं फिल बोल रहा हूँ टेलीग्राम पे व्हाट्सएप पे हमने सभी कुछ शेयर कर दिया है, आप जाइए फटाफट ज्वाइन कीजिए, लिंक आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। और उम्मीद तो यही लग रही है कि कोविड स्वास्थ्य सहायक, आशा सहयोगिनी, सहयोगिनी और सहायक एक जैसे ही शब्द है, दोनों का काम वर्क एक तरह से सहायता करना, सहयोग करना है। तो हो सकता है CHO को शामिल कर ले, इस आधार पर आप कोर्ट में जा सकते हो, कोर्ट में लड़ सकते हो। इस आधार पर मैं जो बोल रहा हूँ उन पर आप विचार जरूर कीजिए, शब्दों को एकदम ध्यान से सुने, क्योंकि यही चीज़ें आपके काम आएगी जब आप कोर्ट केस करने जाओगे। बाकी चलते हैं तीसरी न्यूज़ की तरफ, और देख सकते हो तीसरी बड़ी खबर, राज्य को सेवाएं देने वालों को ही सिर्फ बोनस अंक मिलेगा। यानी भैया राजस्थान राज्य में जो जो हाँ एक तरह से सेवा दे रहा है, अब कौन कौन सेवा दे रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। भैया CHO भी ये बेचारे सेवा दे रहे हैं कोरोना के टाइम से, पिछले NHM के काफ़ी संविदा कर्मचारी भी है वो भी सहयोग दे रहे हैं, काफ़ी है जैसे अपने मेडिकल विभाग में है, शिक्षा विभाग में है। तो एक ये रूल्स अभी पास हुआ है और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको सही माना है सरकार के फैसले को। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय योजनाओं में राज्यों को सेवा देने वाले बोनस अंक देने के राजस्थान सरकार के फैसले पर मोहर लगा दी है। कोर्ट ने कहा है कि राज्य सरकार नीतिगत निर्णय लेने को स्वतंत्र है, इस फैसले से केंद्रीय योजनाओं में दूसरे राज्यों को सेवा देने वालों को राजस्थान में बोनस अंक का लाभ नहीं मिलेगा। जिसने राजस्थान में काम किया है सिर्फ उनको ही बोनस के हकदार होंगे, और वो उसी बेसिस पे आप कोर्ट जाओगे और कोर्ट आपको परमिशन दे देगा बोनस की। 10-20-30-5-10% के हिसाब से राजस्थान में बोनस मिलता है। यदि इस पर आपको पर्टिकुलर वीडियो चाहिए तो मैं एक बना दूंगा, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिएगा, और जो भी चीज़ें हैं आप पढ़ लेना, बाकी तो इसमें कुछ स्पेशल है नहीं। चलिए मैं उसकी तरफ लेके चलता हूँ आपको। ये देखिए गहलो सरकार को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल चुकी है, GNM फार्मासिस्ट, आयुर्वेदिक डॉक्टर, नर्सिंग स्टूडेंट या फिर नर्सेज जो पुराने हैं संविदा पे है समेत अन्य पदों पर भर्ती से दूसरे राज्यों के कर्मचारियों को नहीं मिलेगा बोनस। NHM के संविदा कर्मचारियों को बोनस अंक देने के मामले में राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिल चुकी है। और जिन जिनने NHM संविदा कर्मियों को 30% तक बोनस देने का नियम है, 30% तक आपको बोनस मिलता है, 1 साल का 10%, 2 साल का 20% और 3 साल का 30%। तो जो भी हुए कर्मचारियों ने चुनौती देते हुए, मतलब जो दूसरे राज्य के हैं उन्होंने चुनौती दी थी हाँ सुप्रीम कोर्ट को कि भैया हम यदि राज्य में काम कर रहे हैं दूसरे राज्यों में राजस्थान के बाहर तो हमें भी जो है बोनस दिया जाए, लेकिन एक तरह से ये हो गया है क्लियर। और गहलोत सरकार ने अपने पुराने कार्यकाल में 2013 में ये नोटिफिकेशन जारी किया था बोनस का, इसमें राज्य सरकार में NHM के तहत संविदा पर काम करने वाले कर्मचारियों को नर्सिंग, GNM, फार्मासिस्ट, आयुर्वेदिक डॉक्टर अन्य पद पर 30% तक बोनस देने का प्रावधान किया गया था। तो चुनौती देते हुए कहा था उन्होंने अनुभवों के आधार पर राजस्थान सरकार बोनस देने की मांग की थी, सुनवाई के लंबे समय से सुनवाई चल रही थी और ये अब इन आदेशों को सही मानते हुए बोनस की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया गया है। तो ये काफ़ी अच्छी खबर है और CHO के लिए एक तरह से तो बहुत फायदेमंद है यार, मतलब क्या बताऊँ आप सोच लीजिए अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए। हालांकि 23 तारीख को विधानसभा बजट जारी होने वाला है दोस्तों, और प्रार्थना कीजिए, प्रेयर कीजिए आप कि जो भी है सही होए आप सभी के लिए, आपके लिए जो है कुछ अच्छा निकाले। 23 तारीख को विधानसभा बजट जारी होगा, प्रश्न उठा दिया गया है, मैंने बता दिया आपको सभी जानकारी। और एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ कि हाई कोर्ट के पास ऐसा कोई सा भी नियम नहीं है कि इस आपको डायरेक्ट संविदा पे जो है परमानेंट कर दे। मैं बता दूँ, पढ़ के बता देता हूँ आपको, सरकार के पास किसी भी तरह का डायरेक्ट परमानेंट नहीं कर सकती आपको, या फिर समायोजित नहीं कर सकती, चाहे आपने एग्ज़ाम दिया हो या फिर नहीं दिया हो, आप संविदा कर्मी हो, आपको केवल नई भर्ती निकाल कर ही बोनस अंक देकर ही परमानेंट कर सकती है। सरकार के पास डायरेक्ट परमानेंट करने वाला कोई भी नियम नहीं है, और हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के पास भी ऐसी कोई
कानून नहीं है, ठीक है। इसके अलावा बता दूं मैं आपको हाई कोर्ट के पास जो आदेश प्राप्त है वो किन किन लोगों के लिए प्राप्त है, कौन कौन संविदा कर्मचारी के अंतर्गत आता है, वो है NHM के अंतर्गत आने वाले संविदा XWAT, RM, RS, UTB, ANM, MMU, MMB। हाई कोर्ट के पास इन सभी की जो है एक तरह से बेंचों में केस जीते हुए है या सभी लोग, और राशन नर्सेज एसोसिएशन और इनके पास जो है फाइलें रखी हुई है, तो इनको कोई समस्या नहीं आएगी। हालांकि CHA के लिए समस्या यह है कि उनको पहले संघर्ष करना पड़ेगा संविदा के कैडर में शामिल होने के लिए। हालांकि जो अपनी सचिव हुआ है आरती डोगरा IAS, उन्होंने कहा है कि BD कल्ला से बात करके जितनी हो सके संभव कोशिश करेगी वो कि BD कल्ला की अध्यक्षता में जो कमेटी बनाई गई है राशन कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट टू सिविल पोस्ट रूल्स, जिसमें मैंने वीडियो बनाई है, देख लेना प्रीवियस वीडियो में आप, तो उसमें शामिल करने की कोशिश करेगी। और नहीं कोशिश करे तो जितना संभव हो सके, जितना अच्छा हो सके वो शायद करने की कोशिश, बाकी तो बस यही था वीडियो में। और तो कुछ ज़्यादा कुछ खास है नहीं। ICDS मैंने डिपार्टमेंट आपको बता दिया, फेक लेटर के बारे में मैंने आपको बता दिया, इजीली पकड़ाओ में आ सकते हैं, नॉर्मल सी बात है, आप मत बना देना कोई अगर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के ऊपर कोई आ जाती है, उनकी लगता है कि सुरक्षा में सेन हो सकती है, तो वो इन लेटर के पीछे जो सोर्स कोड होते हैं उनको पता करके और वो बिल्कुल कंफर्म पता कर सकती है कि भाई ये लेटर कहाँ से जनरेट किया है, बनाया है मोबाइल में, किसकी ये शरारती तत्व है। बाकी तो वीडियो कैसी लगी, इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगी हो, कुछ जानकारी आपको प्राप्त हुई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए हर एक नर्सिंग ग्रुप में। और ये जो हमारी वीडियो है आपको जो है अशोक गहलोत जी या फिर उनके PO तक पहुँचाइए, सभी नर्सिंग विद्यार्थी सभी नर्सिंग ग्रुप में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ में टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप भी जरूर ज्वाइन कीजिए, लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। मिलते हैं नए वीडियो में कोई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बैठे गुड नाइट, शुभ रात्रि दोस्तों।